बिग बॉस 11 में जहां कंटेस्टेंट टीआरपी के लिए एक दूसरे के साथ गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं, वहीं शो टीआरपी के टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को टास्क देते रहते हैं। अब बिग बॉस ने घर वालों को एक ऐसा टास्क दे दिया है जिसमें उन्हें खुद नॉमिनेट होने से बचना है। इस टास्क में सबसे पहले हिना खान नॉमिनेट हुई हैं। दरअसल एक टेलीफोन बूथ में फोन की घंटी बजने पर उठाने वाला मेंबर सीधे नॉमिनेट हो जाएगा। हिना खान के फोन उठाते ही बिग बॉस ने उन्हें नॉमिनेट करते हुए कहा कि अगर लव अपने माथे पर जीरो लिखवाते हैं तो वो सेफ हो जाएंगी। लव ने हिना की दोस्ती के खातिर माथे पर जीरो लिखवा लिया। फिर आई आकाश ददलानी की बारी। उन्हें बिग बॉस ने हितेन के घर से आई फैमिली फोटो को नष्ट करने का आदेश दिया। हितेन के लिए ये बहुत मुश्किलों भरा था, पर आकाश के लिए उन्होंने इसकी आहुति भी दे डाली। आकाश के सेफ होते ही हितेन की बारी आई और उन्हें बिग बॉस ने सेफ होने के लिए जो टास्क दिया वो वाकई हैरान करने वाला था। दरअसल उनके सेफ होने की शर्त प्रियंका गंजा होना था। बिग बॉस ने हितेन को कहा कि अगर वो सेफ होना चाहते हैं तो प्रियंक को गंजा होना पड़ेगा। प्रियंक ने सुनते ही एक पल का इंतजार किए बिना हाँ बोल दिया। वेल, बिग बॉस के घर में रहना इतना भी आसान नहीं है। प्रियंक के बालों के बाद और किस किस चीज का बलिदान घर वाले देते हैं ये देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।